हे गाइज, वेलकम टू आर चैनल बैरा हंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। गाइज, आज का वीडियो हमारा इसके ऊपर है कि हम इस तरह की जो बेट कास्टिंग रील होती है उसको किस तरह से यूज़ करें जिससे हमारा जो टैंगल होता है या जो विंड नॉट आते हैं हवा के अपोजिट में अगर हम कास्ट करते हैं जिससे बहुत सारी गांठें बन जाती है, उसमें लाइन आपस में टैंगल हो जाती है, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं एंड कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका सही तरीका है, उसके ऊपर ही आज का वीडियो है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्ट्रांग विंड है, अभी काफ़ी हवा बहुत तेज़ चल रही है। आपको दिखा दूं, अभी मेरा टी शर्ट ज़रा टाइट है इसलिए दिखेगा नहीं। हो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रांग विंड है गाइस। इतने स्ट्रांग विंड में किस तरह से हम इस तरह की रील की सेटिंग कर सकते हैं ताकि जो विंड नॉट उसके अपोजिट में जब कास्ट करते हैं तो विंड नॉट नहीं आना चाहिए, उसके लिए हम दिखाते हैं आपको क्या टेक्निक है। सो आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पे भी है, वहाँ पे जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड आपकी कुछ भी क्वेरीज एंड कंसर्न है तो आप हमसे डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो बेट कास्टिंग रील होती है गाइस, इस तरह की उसके कुछ फंक्शंस होते हैं बेसिक जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं इसे मैग्नेटिक ब्रेक बोलते हैं, इसके अंदर मैग्नेट होता है। आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूं खोल के, दीज आर दी मैग्नेटिक ब्रेक। ये है, इसका जितना भी लेवल आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक ब्रेक अप्लाई होता है इसके ऊपर। जैसे 7, 8, 9, 10, अभी मैंने 6 पे रखा हुआ है, 6 पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप चाहे तो उसको ज़्यादा विंड है, विंड अगर ज़्यादा तो उसको आप ज़्यादा कर सकते हो। इस तरह से आप इसको सेट करके जितना स्ट्रांग विंड है उतना ज़्यादा आप उसको बढ़ा सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। एंड जो ये जो नॉब है गाइस, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो एडजस्टमेंट नॉब। इससे हम लूअर का जो वेट होता है उसके हिसाब से हम इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये नॉब और ये मैग्नेटिक ब्रेक है, दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। सो जितना वजन का आप लूअर उस पर अटैच करते हो उसके हिसाब से आपको माइक्रो एडजस्टमेंट नॉब को एडजस्ट करना पड़ता है। सो अभी जैसे इसको किस तरह से एडजस्ट किया जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो के लिए। सो इस तरह का हमारा लूअर है एंड ये जो है ये लीवर है हमारा। ये लीवर अगर ऊपर की तरफ होगा तो देखो इस पर ड्रैग अप्लाइड है, ये जो स्टार ड्रैग है उसके ऊपर ड्रैग लगा हुआ है स्पूल के ऊपर। जैसे आप लीवर नीचे दबाते हो तो आपका स्पूल फ्री हो जाता है, लाइन आराम से निकलता है इसमें से। आप जैसे आप हैंडल घुमाओगे उसका लीवर ऊपर आ जाता है, फिर स्टार ड्रैग उसके ऊपर अप्लाई कर देता है, तो ये ड्रैग पूरा अभी अप्लाइड है इसके ऊपर। सो अभी मैं इसका जो ये नॉच है इसको नीचे करूँगा, अब आपको दिखाता हूँ। आई होप आपको दिख रहा है मेरा लूअर। आप देखिए लूअर अभी हमने ऊपर लिया हुआ है पूरा एंड तक इस तरह से। तो अभी इसका जब हम लीवर नीचे करते हैं, इधर वाला इस लीवर को जब नीचे करेंगे तो लूअर नीचे आना चाहिए। अभी मैं इसका सेटिंग निकाल देता हूँ। अभी देखिए इसको मैं जैसे लीवर दबाऊंगा लूअर उसका नीचे की तरफ चला गया है अपने आप। देखिए जैसे हमें जब मैं लीवर इसको दबाऊंगा, देखो लूअर किस तरह से नीचे ड्रॉप होता है। अगर इतना स्पीड में लूअर ड्रॉप होगा तो उसमें देखो बर्डनेस आ जाएगा। देखो इतने में ही बर्डनेस आ रहा था अभी। सो इसका जो सेटिंग किया जाता है इस तरह से किया जाता है कि आपने अगर ये लीवर दबाया नीचे तो उसका स्पूल फ्री हो जाएगा और लूअर जो है इतना फ्रीली नीचे नहीं गिरना चाहिए। उसके लिए आपको ये माइक्रो नॉब जो है उसको इस तरह से इस तरफ हमारी तरफ ही इसको टाइट करें थोड़ा। देखिए अभी मैं थोड़ा टाइट कर दिया मैंने और फिर मैं खोल के देखता हूँ। देखो अभी थोड़ा आराम से गिर रहा है लूअर, और उसको थोड़ा टाइट करें क्योंकि विंड ज़्यादा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लूअर अभी बहुत स्लोली नीचे जा रहा है। देखिए आप स्पूल देख सकते हैं किस तरह से घूम रहा है स्लोली, मतलब अभी टेंशन अप्लाई हो गया उसके ऊपर। इस पर आप कास्ट करके देखिए, अगर इस पर भी नॉट आता है विंड नॉट तो थोड़ा और उसको टाइट करके एडजस्ट करें उसको। अभी मुझे लगता है इस पर होना नहीं चाहिए, देखता हूँ मैं कास्ट करके। बहुत ही स्ट्रांग विंड है अभी, मतलब हवा बहुत तेज है। देखिए मैंने कास्ट किया अभी तक एक भी ये नहीं आया, विंड नॉट नहीं आया। तो उसको हम वापस लपेटते हैं और एक बार कास्ट करके देखते हैं। देखिए
एक भी विंड आउट नहीं आया, मैंने थंब अप्लाई नहीं किया अभी तक। इस तरह से हमको लूअर को एडजस्ट करना होता है। अभी लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि दूसरा लूअर चेंज करते हैं, जब जैसे आप लूअर चेंज करते हो, जैसे हमने इसको निकाल लिया, इसकी जगह पे हमने दूसरा कोई लूअर अटैच किया, लेकिन वो लूअर का वेट जो है वो इससे काफ़ी कम है, तो इन दैट केस क्या होता है कि लोग इसका एडजस्टमेंट करना भूल जाते हैं और बिना एडजस्टमेंट किए उसको डायरेक्ट कास्ट करते हैं। उसमें तकलीफ ये होता है कि विंड नॉट तुरंत ही आ जाता है, या तो इससे हल्का लूअर रहेगा तो उस पर नहीं आएगा, लेकिन इससे वजनदार लूअर रहेगा तो उस पर आपको विंड नॉट आ जाएगा। तो फिर लोग गालियाँ देते हैं कि रील अच्छी नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको हैंडल कर रहे हो। एंड आपको बता दूँ कि ये जो बेट कास्टिंग फिशिंग का सेटअप होता है, ये अपग्रेडेड मॉडल होता है आफ्टर स्पिनिंग सेटअप। तो अगर इस सेटअप को आप तभी यूज़ करें जब आप ऑलरेडी स्पिनिंग जो रील होती है उसके ऊपर एक्सपर्ट हो गए हो या उसको अच्छे से यूज़ करना जान चुके हो, तो ही इस तरह का सेटअप यूज़ करें। सो ये जो सेटिंग था बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग था गाइस, इस तरह से आप आराम से कास्टिंग कर सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह है कि जब भी आप कास्टिंग करते हो लूअर, मैं आपको दिखा देता हूँ, लूअर को इस तरह से झटके से कास्ट नहीं करना है आपको। अगर आप झटके से कास्ट करोगे तो इसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है झटके में कि स्पूल बहुत ज़्यादा फ्रीली घूम जाता है, जिसकी वजह से उसमें बर्डनेस्ट आ जाता है, मतलब पूरा गुतड़ा हो जाता है लाइन। तो इसके लिए हमको कास्टिंग करने का एक पोस्चर होता है बेट कास्टिंग फिशिंग का। जब काफ़ी वीडियोज़ आप देखना, जो आदमी जब एकदम एक्सपर्ट हो जाता है कास्टिंग में तो ही इस तरह का जर्क वाला कास्टिंग करता है, नहीं तो उसका कास्टिंग करने का एक तरीका है। आप देख सकते हैं इस तरह से कास्टिंग की जाती है। तो क्या होता है इसमें कि आपका जो रॉड है उसका फ्लो होना चाहिए, जिसमें आपको आपके स्पूल पे डायरेक्ट प्रेशर अचानक में नहीं आएगा। अगर आप झटके से कोई कास्टिंग करते हो, एकदम झटके से घप करके कास्टिंग कर दोगे तो घट चले उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है स्पूल के ऊपर, जिससे ज़्यादा घूम जाता है और टेंगल हो जाता है, बर्डनेस आ जाता है। तो इस तरह से आप उसको लेके आराम से कास्ट करें, देखिए आपको कहीं भी बर्डनेस नहीं आएगा। यही एक रीज़न है कि टीका की रील को हमने डिक्लेयर किया है कि इट्स अ बर्डनेस फ्री रील, जिसमें बर्डनेस नहीं आता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि बर्डनेस नहीं आता है इस पर। आपको दिखा दूँ अभी बर्डनेस लाके, पर मुझे थोड़ा तकलीफ होगी उसको छुड़ाने के लिए। अगर मैं इसका ड्रैग एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा और लूज़ कर देता हूँ, इसका माइक्रो एडजस्टमेंट थोड़ा मैंने लूज़ किया, और देखिए अभी फास्ट एकदम नीचे आ रहा है, ज़्यादा ही फास्ट आ रहा है। अभी थोड़ा और कर देते हैं, थोड़ा और करते हैं, थोड़ा हमने इसको सेट किया है अभी और लूज़ किया है इसको। अभी देखो हम कास्ट करेंगे तो उसमें बर्डनेस आने की चांसेस ज़्यादा है। देखो बर्डनेस आया नहीं है, लेकिन हल्का सा एक राउंड जो इसका घूम गया है, क्योंकि हमने इसको एडजस्ट प्रॉपर किया है। थोड़ा और फ्री कर दूंगा इसको तो पक्का बर्डनेस आएगा ही आएगा, आपको दिखा देता हूँ। इतने में भी नहीं आया मतलब अच्छी बात है ये रील के लिए। बट इसको अब मैं आपको थोड़ा और लूज़ करके दिखाता हूँ किस तरह से बर्डनेस इस पर भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि इस पर नहीं आ सकता है। इसके लिए हमको यूज़ करना सीखना बहुत ज़रूरी है इस तरह की रील्स में। हाँ देखिए थोड़ा सा लूज़ किया मैंने, अब देखिए बर्डनेस आ गया था, ये देखिए पूरा स्पूल वापस घूम गया था रिवर्स में। वापस करके देखते हैं, जो फ्लो में मैं कास्टिंग बता रहा हूँ आपको, उस तरह से कास्ट करोगे तो थोड़ा चांसेस कम होते हैं बर्डनेस आने के। ये देखिए बर्डनेस आ गया, रिवर्स घूम गया स्पूल। अभी मुझे इसको खोल के फिर उसको लाना पड़ेगा, देखो इतना एक्स्ट्रा घूम गया था रील स्पूल हमारा। तो इसी तरह से इसका सेटिंग करना होता है गाइस। एंड जो कास्टिंग करने का तरीका है रॉड का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखें। अभी जो सेकंड इसका जो फाइनल फैक्टर है बताना चाहता हूँ आपको, वो है कि जब भी इसको कास्टिंग करते हैं हम, सपोज हमने एकदम लूज़ कर दिया इसको, हमको लंबा कास्टिंग करना है, जब आप ये मैग्नेटिक ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपको लंबा कास्टिंग थोड़ा नहीं होता है। तो अभी मुझे इसको लंबा कास्ट करना है काफ़ी, बट मुझे ये मैग्नेटिक ब्रेक अप्लाई नहीं करना है इस नॉब को। देखो एकदम लूज है, देखो छोड़ दूंगा तो बर्डनेस आ जाएगा, देखो आ गया। मुझे इसी कंडीशन में इसको लॉन्ग कास्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थंबिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो भी प्रो एंगलर है या सीनियर एंगलर है इस टाइप के रील को यूज़ करने वाले, वो इस थंबिंग का इस्तेमाल करते हैं फॉर ब्रेकिंग दिस थिंग। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ कि इसको हम किस तरह से थंबिंग का यूज़ कर सकते हैं। आपने कास्ट किया इसको, जा रहा है स्पूल एकदम जा रहा है, जब आपको मालूम है अभी लैंड हो रहा है, जैसे वो लैंड होगा तो इसका टेंशन नहीं होगा, जिसकी वजह से स्पूल ऑलरेडी घूमता रहेगा और बर्डनेस आ जाएगा।
तो इसलिए हमको उसके पहले ही हमारा जो लोअर लैंड हो रहा है पानी के ऊपर, उसके पहले हमको यहाँ पे थंब से इसको रोकना है। देखिए काफ़ी लंबा चला गया था ये कास्टिंग, तो आप देख सकते हैं हमने अभी रिलीज़ किया इसको, अभी हम कास्ट करेंगे फ्लो में जा रहा है, हमको मालूम अभी लैंड हो गया लूअर मेरा, तो मैंने थंब करके रुका दिया। आप देख सकते हैं फिर भी आ गया है थोड़ा बर्ड नेस्ट। अरे कितना आ गया, ज़्यादा ही आ गया ये तो। हाँ उसमें क्या होता है गाइस, जब भी बर्ड नेस्ट आ जाता है, आप इस तरह के सॉफ्ट लोअर यूज़ कर रहे हैं तो ये नीचे सिंक हो जाता है, किसी पत्थरों में अटक सकता है, सो आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए इस माइक्रो एडजस्टमेंट नॉब का यूज़ करें। अभी आपको दूसरा एक फैक्टर बताता हूँ, मैं इसको सेट कर लेता हूँ पहले। हाँ स्मूथ जा रहा है, हाँ जा रहा है। अभी ये देखिए जो मैग्नेटिक ब्रेक है आपको दिखाया था मैंने, अभी मैंने 6 पे रखा है, सो इसको आप 8 पे रख सकते हो, 9 पे रख सकते हो, मैक्सिमम 10 है तो मैक्सिमम पे भी रख सकते हो। इससे क्या होगा कि ज़्यादा मैग्नेटिक पावर इसके ऊपर लगता है, यहाँ पे भी मेटल है, यहाँ पे मैग्नेट है, सो इसके बीच में हमारा स्पूल होता है, स्पूल और इसके मेटल के बीच में होने की वजह से इस पर मैग्नेटिक प्रेशर जनरेट होता है, जिससे स्पूल ज़्यादा घूमता नहीं। अभी मैंने मैक्सिमम पे रखा है, सो मैक्सिमम पे आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए मैक्सिमम पे रखकर हमें अभी कैसा भी कास्ट कर लूँ, थोड़ा कास्टिंग डिस्टेंस नहीं मिलेगा मुझे, ज़्यादा दूर नहीं कास्ट होगा, बट जो कास्ट होगा वो टैंगल फ्री होगा, इसमें बर्डनेस नहीं आएगा। मैं कैसा भी कास्ट करूँ इसको बर्डनेस नहीं आएगा। सो इसका जो सेटिंग है ये, इसका प्रैक्टिस करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है बेट कास्टिंग रॉड में, लोग इसी को अवॉइड करते हैं और यही उनके लिए खतरा हो जाता है, जिससे बोलते हैं हमारा रील वेस्ट हो गया, पैसा वेस्ट हो गया। आप देख सकते हैं मैंने कितना स्ट्रॉन्ग कास्टिंग किया फिर भी बर्डनेस नहीं हुआ। सो गाइस जो बेट कास्टिंग रॉड होता है उसको हम क्यों इस्तेमाल करें, यही सेटअप को हम क्यों यूज़ करें कंपेयर टू जो स्पिनिंग रॉड होता है। सो जब भी आप इस सेटअप को यूज़ करते हो कंपेयर टू स्पिनिंग रील, आपने कास्टिंग किया, आपका लूअर आ रहा है, आप देख सकते हैं मेरा टिप, इसका इतना सेंसिटिव होता है टिप, क्योंकि ये फास्ट एक्शन रॉड होता है इसमें, सो आप इसको टिप को एक्शन दे सकते हो, लूअर को जो एक्शन चाहिए आपको आराम से दे सकते हो। एंड कि इनका जो बेट कास्टिंग सेटअप होता है वो मैक्सिमम 8 फीट का होता है या तो 7 फीट का होता है, सो जिसके वजह से आपको बराबर वो फ्रीडम मिलता है इसमें एक्शन देने का। एंड ये काफ़ी कंट्रोल में होता है रॉड, जिससे एंड इसका पावर भी अच्छा होता है। अभी मैंने टीका का ही टेक्टिका बास सीरीज़ यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन में यूज़ करना था इसको, बाकी जो कंपनी के बेट कास्टिंग रॉड आते हैं वो भी आप टेस्ट करके यूज़ कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है आपको यही यूज़ करना है। सो इसमें जो होता है एक्शन देने के लिए बहुत अच्छा ईजी होता है, हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है एक्शन देना, आराम से हम रॉड के साथ खेल सकते हैं, कोई भी एक्शन दे सकते हैं। स्पेशली जो टॉप वाटर लूअर्स होते हैं उनको एक्शन देने में बहुत मज़ा आता है हमको इस तरह के सेटअप पे, इसलिए मैं इस तरह का ये जो बेट कास्टिंग सेटअप है वो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग यूज़ करें, जो ऑलरेडी स्पिनिंग रॉड यूज़ करते काफ़ी टाइम से एंड अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, सो वो लोग इस तरह के सेटअप को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप यूज़ भी कर सकते हैं इसको। अभी मैं इस पर काफ़ी बड़े बड़े गेम करने की कोशिश करूँगा, जैसे कुछ अच्छा कैच मिलेगा आपको अपडेट करता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड एन्जॉय योर लाइफ। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो गाइज, आई होप इससे कुछ आपको सीखने मिला होगा, अगर कुछ भी आपको इसमें पॉजिटिव सीखने मिला तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलना गाइस। इसी तरह के कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको लाते रहता हूँ, सो हमारे चैनल को फॉलो करते रहें एंड जल्दी आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।